हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को डिस्कस करेंगे, सो लेट्स जंप इनटू इट। बेसिक रिसर्च, जिसे फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, उस प्रकार के रिसर्च को कहते हैं जहां किसी पर्टिकुलर फिनोमेनन स्टडी और नेचर के लॉ को इन्वेस्टिगेट करके उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया जाता है। इस टाइप के रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो अननोन नॉलेज की खोज करता है और रिसर्चर बेसिक रिसर्च के जरिए अपना क्यूरियोसिटी फुलफिल भी करता है। आमतौर पर रिसर्चर हाउ, व्हाट और व्हाई जैसे सवालों को एक्सप्लेन करता है और जो इन्फॉर्मेशन बेसिक रिसर्च के जरिए ऑब्टेन किया जाता है वो इन्फॉर्मेशन अप्लाइड रिसर्च के लिए फाउंडेशन का काम करती है। हम आगे वीडियो में जानेंगे कि अप्लाइड रिसर्च किसे कहते हैं। अब हम बेसिक रिसर्च के कुछ एग्जांपल्स को जान लेते हैं। बेसिक रिसर्च वो हो सकता है जिसमें रिसर्चर ये स्टडी करे कि अल्कोहल का कंजम्पशन ब्रेन पर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, या रिसर्चर ये स्टडी करे कि कैसे स्ट्रेस लोगों को ज्यादा एग्रेसिव बना देती है, या यूनाइटेड स्टेट्स के किस हिस्से में ज्यादा रेनफॉल होता है, या रिसर्चर ये स्टडी करे कि वेजिटेरियन डाइट ज्यादा हेल्दियर होता है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट ज्यादा हेल्दियर होता है। इन सभी एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन है, इन सभी एग्जांपल्स में नॉलेज को इम्प्रूव करने की बात या नॉलेज को बढ़ाने की बात किया जा रहा है, ना कि उसे अप्लाई करने की। सो बेसिक रिसर्च का मेन पर्पस नॉलेज को इनहेंस करना होता है। अब हम अप्लाइड रिसर्च किसे कहते हैं उसे डिस्कस करेंगे। अप्लाइड रिसर्च उस तरह की रिसर्च को कहते हैं जिसमें जो प्रॉब्लम है उसका प्रैक्टिकल सलूशन ढूंढा जाता है और ये प्रॉब्लम वर्कप्लेस, एजुकेशन या सोसाइटी का हो सकता है। अप्लाइड रिसर्च में एम्पिरिकल मेथोडोलॉजीज जैसे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस का यूज करके डेटा कलेक्ट किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पर फोकस करता है और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। अब हम अप्लाइड रिसर्च के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अप्लाइड रिसर्च वो हो सकता है जिसमें रिसर्चर ये स्टडी करे कि सोशल मीडिया में जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है, या ये स्टडी किया जा सकता है कि किस तरह से हम कार के टायर्स को ज्यादा समय तक यूज कर सकते हैं, या हम डॉग्स को किस तरह ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो अपने यार्ड्स में ही रहें। इन सभी एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन है, ये सभी रिसर्च एक्शन ओरिएंटेड हैं। इन सभी एग्जांपल्स में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर या सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है, ना कि बेसिक रिसर्च की तरह केवल नॉलेज बढ़ाने की बात हो रही है। अब हम बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को कंपेयर करेंगे। बेसिक रिसर्च क्यूरियोसिटी ड्रिवन होता है और अप्लाइड रिसर्च सॉल्यूशन ड्रिवन होता है। बेसिक रिसर्च में नॉलेज को बढ़ाने पर फोकस किया जाता है और अप्लाइड रिसर्च में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में फोकस किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च पर रिसर्चर आमतौर पर क्लाइंट के लिए काम करता है और क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने की कोशिश करता है, लेकिन बेसिक रिसर्च में रिसर्चर इसलिए रिसर्च करता है ताकि वो खुद ही किसी भी एक फील्ड का नॉलेज गेन करना चाहता है। इसलिए बेसिक रिसर्च को क्यूरियोसिटी ड्रिवन कहा जाता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी के चलते रिसर्चर बेसिक रिसर्च करते हैं, इसलिए इस तरह के रिसर्च में नॉलेज डेवलप किया जाता है और प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। दूसरी तरफ अप्लाइड रिसर्च में नया इन्फॉर्मेशन डिस्कवर किया जाता है और कभी कभी अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च ओवरलैप भी करता है, क्योंकि बेसिक रिसर्च में जो इन्फॉर्मेशन हासिल किया जाता है उसे अप्लाइड रिसर्च में एज ए फाउंडेशन भी यूज किया जाता है। बेसिक रिसर्च थियोरेटिकल होता है और अप्लाइड रिसर्च प्रैक्टिकल होता है। बेसिक रिसर्च में जो इन्फॉर्मेशन पाया जाता है उससे थियोरीज को डिवेलप किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, अप्लाइड रिसर्च में जो इन्फॉर्मेशन गेन किया जाता है उससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, इसलिए अप्लाइड रिसर्च प्रैक्टिकल नेचर का होता है। बेसिक रिसर्च का अप्रोच यूनिवर्सल होता है, क्योंकि इसे हम कई सारे कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च
कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर फोकस करता है, इसलिए अप्लाइड रिसर्च का अप्रोच स्पेसिफिक होता है। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।